जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने असम के असमिया मूल के मुसलमानों के 5 समुदायों गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जुल्हा को खिलंजिया यानी असम के भूमिपुत्र का दर्जा दिया है। सरकार के इस फैसले से वहाँ राजनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन यह भी सत्य है कि वहाँ के जो असम मूल के मुसलमान हैं और बांग्लादेशी मुसलमान, उनको एक अलग से पहचान देने की कोशिश की गई है। असम में मूलतः 2 तरह के मुसलमान हैं, एक तो असम मूल के हैं और दूसरा बांग्लादेश के घुसपैठी। असम मूल के जो मुस्लिम हैं वे अपने को बांग्लादेशी मुसलमानों से ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वे पूरी तरह से असमिया संस्कृति का हिस्सा हैं। असम के अन्य लोगों तथा असमिया मुसलमानों की जो रीति रिवाज हैं, भाषा, संस्कृति, रहन सहन आदि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और उनको स्थानीय मुस्लिम कहा जाता है, जबकि जो बांग्लादेश या दूसरी जगह के मुस्लिम हैं उनको मियां मुसलमान कहा जाता है। असमिया जो मुस्लिम हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वे मुग़ल शासनकाल के समय असम में आए थे और जब युद्ध हुआ था और मुग़ल सेना हार गई थी तो कुछ लोग वहीं बस के रह गए थे। इसके अलावा कुछ लोग वहाँ कामकाज की तलाश में भी आए थे और कुछ लोग ऐसे थे कि जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। असम के जो स्थानीय मुस्लिम हैं वह असमी बोलते हैं, जबकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वे बांग्ला बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि असम 2 भागों में है, एक अपर असम और दूसरा लोअर असम। जो बांग्लादेश से आए हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं, खेती करते हैं, वे हर तरह से पिछड़े भी हैं और वे मुख्यतः निचले असम में यानी लोअर असम में बसे हैं, जबकि तो असमिया मुसलमान हैं वे असमिया माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, बिहू भी मनाते हैं और असमी लोगों की तरह वैसे ही कपड़े पहनते हैं और घर में भी असमिया बोलते हैं। असम में जब से घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ था उससे स्थानीय मुसलमानों को भी परेशानी होने लग गई थी, लेकिन अब हेमंत बिस्वा सरकार ने जो उनको पहचान अलग से दी है उससे वे बड़े खुश हैं। असम में भूमिपुत्र उनको कहा जाता है जो वहाँ के मूल निवासी हैं और हिंदू या जो वहाँ के कुछ कन्वर्ट होके ईसाई बन चुके हैं, उनमें तो बहुत लोग हैं ही, लेकिन चूंकि विवाद मुस्लिम को लेकर था क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम आ गए थे, ऐसे में मूल लोग पहचान यानी मूल निवासी की जो पहचान उनको दी गई है यह उनके जीवन का एक श्रेष्ठतम उनका उपहार उनको मिला है। यही बात तो उत्तराखंड के लोग भी कह रहे हैं कि उनको भी मूल निवास यानी मूल निवासी की पहचान उनको मिलनी चाहिए। असम की बात से साफ स्पष्ट है कि हर जगह लोग अपने मूल निवास का जब प्रमाण पत्र मिल जाता है या उनकी पहचान हो जाती है तो उनके समृद्धि के और भी रास्ते खुल जाते हैं। यह बात ही उत्तराखंड के नेताओं को समझनी चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उसे लिखें। जल्दी ही मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।